हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के लिए मैं करने वाली हूँ इन्फ्लुएंसर्स मेड मी बाय दिस। बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि इंटरनेट पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ज़बरदस्त वायरल हुए। एंड यू नो, जब ऐसे कोई प्रोडक्ट्स वायरल होते हैं तो जैसे कि आप टेम्प्ट हो जाते हो लेने के लिए, वैसे मैं भी हो जाती हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं वो प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ, उन्हें यूज़ करती हूँ एंड देन मैं अपने रिव्यूज़ आपको देती हूँ, विच आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। इट्स अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, किसी भी तरीके की कोलैबोरेशन नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरे रिव्यू से शायद आपको हेल्प हो सके एंड क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट्स ना खरीदने पड़े, इसलिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं एंड आई हैव यूज्ड इट एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय व्यूज ऑन इट। सो वी हैव स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, सब कुछ मिक्स्ड है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि एकदम वायरल हो रहा है अभी भी एंड काफ़ी टाइम से चल रही है इसकी बातें। This is Plum Body Lovin' Vanilla Caramello Body Lotion with Cocoa Butter. This is the product that I'm talking about. इतनी हाइप हुई है ना इस प्रोडक्ट की कि मुझे लगा यार इसको लेना ही चाहिए। वैसे तो प्लम एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है और मुझे उसके सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आई जस्ट थॉट आई विल यूज इट एंड आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड यू गाइज। द खुशबू इज एवरीथिंग। अगर आपको यू नो अच्छी वनीला कैरामेल के जैसी एकदम कपकेक की खुशबू चाहिए आपकी बॉडी पे, देन यू हैव टू ट्राई दिस वन। एक तो मेरा ख़त्म भी हो रहा था बॉडी लोशन, आई वाज यूजिंग बाथ एंड बॉडी वर्क्स पहले एंड वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, एक बार का यूजेज बचा होगा। तो मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ। मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से यूज़ कर लिया है, उतने में आपको बॉडी लोशन का परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग पता चल जाता है। बाय द वे, सो इसकी खुशबू तो भाई क्या ही बोलना, कोको बटर वाली खुशबू, एकदम प्यारी सी खुशबू। प्लस द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो रियली गुड। आई एम अ वेरी वेरी ड्राई स्किन पर्सन एंड मेरी एड़ियाँ में पता नहीं क्यों फटने लगी है, तो मैंने वहाँ पे भी लगाया, अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया इसने मेरी बॉडी को। दिन में मुझे एक बार ही लगाना पड़ा सुबह नहाने के बाद, पूरे दिन मेरी बॉडी मॉइस्चराइज थी। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो अगर अपकमिंग आपको कुछ भी बॉडी लोशन वगैरह खरीदना है ना, आपको ऐसी खुशबू पसंद है तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो या कोई भी वीडियो, हॉल वीडियो देख के टेम्प्ट होना बहुत ही जाहिर सी बात है, बट आप ये प्रोडक्ट्स तभी लें जब आपको इसकी ज़रूरत हो। अगर अभी ज़रूरत नहीं है आप इसे विशलिस्ट कर लें, जब ज़रूरत हो तब खरीदें। प्लीज़ डोंट फील प्रेशराइज कि आपको लेना ही है, नो ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग माई पार्ट एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड आई रियली वॉन्ट टू एडवाइज यू एज अ फ्रेंड, ये चीज़ क्या प्रेशराइज मत होना कुछ भी लेने के लिए। नाउ सेकेंड थिंग, प्लम की बात कर रहे हैं तो दोबारा प्लम की बात कर लेते हैं। इट्स देयर प्लम बॉडी लविन। सो ये स्मोकन वेनिला वाला जो आया हुआ है परफ्यूम, वो है मेरे हाथ में। व्हाट अ सल्ट्री फ्रेग्रेंस यू गाइस। अगर आपको एक अच्छी वॉर्म बट सल्ट्री सी एक इवनिंग नाइट वाली ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए है, देन आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। मैंने सबसे छोटा वाला मंगवाया था एंड इसको मैंने 2-3 बार ही यूज़ किया, ये दोनों ही एक साथ ही आए थे, बट इसकी जो खुशबू है अच्छी खासी चल जाती है। 5-6 आवर्स तो कहीं नहीं गई थी इसकी खुशबू एंड मैं सो रही थी ना, तो ऐसे मेरा हाथ था एंड मैं यहाँ पे ऐसे स्प्रिट्स करती हूँ, सो इतनी अच्छी अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही थी ना। जैसे जैसे ये मेलो होता जाता है वैसे वैसे इसकी खुशबू मेलो होती जाती है, काफ़ी अच्छे से यू नो इट लीव्स योर बॉडी जब ये पूरी इवेपोरेट हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका बड़ा वाला भी आता है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं उसका, अगर स्मॉल पैकेज अवेलेबल है तो पहले आप वो खरीदें बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सेकेंडली अगर आपको पसंद नहीं आया तो पूरा इतना सारा पैसा वेस्ट नहीं होता है आपका। सो अगेन इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई एंड। नाउ कमिंग टू अ हेयर प्रोडक्ट, इट इज़ लॉरियल पेरिस का हाइलुरॉन मॉइस्चर हाइड्रोफिलिंग नाइट क्रीम। नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स टॉक अबाउट दिस एंड ये मैंने अभी नहीं लिया, ये मैंने काफ़ी पहले लिया था एंड मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, बट आई जस्ट थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दिस इन दिस वीडियो बिकॉज इट्स अ वायरल प्रोडक्ट एंड इट डज़ वर्क। आई विल नॉट से कि भाई ये खरीद लो इसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट, बट बाकी सीरम्स भी ऐसे ही काम करते हैं। सो अगर आप एक्चुअली चाहते हो
ये खरीदना है ना, आप कंफ्यूज थे कि कहीं पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, तो पैसे वेस्ट नहीं होंगे आपके। बट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सीरम है, हेयर सीरम जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, देन यू कैन जस्ट स्किप दिस वन। ओवरऑल अ गुड प्रोडक्ट। देन वन ऑफ माई फेवरेट, पहले रिव्यू दे दिया, सो इट्स विश केयर की इनविजिबल जेल सनस्क्रीन SPF 50। लव इट, क्या कहने। अभी भी मैंने यही लगा रखी है, अभी मैं रोज यही लगा रही हूँ एक्चुअली, एंड आई लव 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 इट। इसका जो टेक्सचर है ना, जब आप हाथ में लोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो काफ़ी थिक सा लग रहा है, बट जैसे आप फेस पे लगाओगे ओ माई गॉड गायब हो जाती है, एंड द ग्लो इट लीव्स बिहाइंड, लव इट, बहुत ही अच्छा है। मैं इसे डेफिनेटली रिपर्चेज करूँगी। उसके बाद एक और सनस्क्रीन है। सो आजकल सनस्क्रीन स्टिक्स का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा था, एंड पीपल वर रेकमेंडिंग सो मैनी सनस्क्रीन स्टिक्स लेफ्ट राइट सेंटर। उसमें से एक थी डॉटन की स्ट्रॉबेरी ड्यू सनस्क्रीन स्टिक ऑन द गो। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक नाउ। आई वुड से कि सनस्क्रीन स्टिक्स वगैरह तो सब अच्छा है, गुड कॉन्सेप्ट एंड ऑल। आपको ऑन द गो अगर अप्लाई करने के लिए चाहिए है, सो यू कैन जस्ट यू नो ईजिली ग्लाइड इट ऑन योर फेस एंड एकदम हो जाता है आपका। बट सनस्क्रीन स्टिक आई फील कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल क्रीम वाली सनस्क्रीन लाइक दिस। तो आप इसको ले सकते हो, इट्स अ गुड टू हैव प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। इफ अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर आपको बार बार रीअप्लाई करने में ऐसा होता है कि नहीं यार कुछ हैंडी सा होता तो आप ले सकते हो। आप मेकअप लगाते हो उसके ऊपर अगर आपको लगाना है सनस्क्रीन तो आप ले सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस सनस्क्रीन, इट ग्लाइड्स स्मूथली, एंड मैंने इसको दो तीन बार ही यूज़ किया है एक्चुअली, दो तीन बार भी नहीं एक्चुअली एक दो बार ही यूज़ किया है। एंड जैसे कि अभी मैंने बीबी क्रीम लगा रखी है मेरे फेस पे, तो अगर मुझे रीअप्लाई करना होगा तो आई कैन जस्ट यू नो ग्लाइड इट थ्रू। इससे बिल्कुल भी मेकअप हिलता नहीं है, प्लस ये इतनी स्मूथली ग्लाइड हो जाती है ना कि बिल्कुल आपको फील नहीं होता कि आपने कुछ और भी लगा लिया है ऊपर से, एंड इट गिव्स यू ऑल द सन प्रोटेक्शन दैट इज नीडेड। सो येस, इट्स अ गुड टू हैव प्रोडक्ट। अगर जैसे कि मैंने बोला आपको कन्वीनियंट रीअप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन चाहिए है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। डर्माको की भी आती है, वो इससे थोड़ी एक्सपेंसिव है, सो ये तो मुझे डिस्काउंट में नायका में इतनी सस्ती मिली यार, 400 रुपये की मुझे मिल गई, तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप इट इन माई बैग, क्योंकि बहुत ही जल्दी शायद मुझे ऑफिस जाना भी शुरू करना पड़ेगा। सो या तब मैं इसको अपने बैग में रखूँगी। अभी तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो मैं बार बार अपने घर में ही अपनी नॉर्मल वाली जो सनस्क्रीन है वो लगाती रहती हूँ, बट इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सनस्क्रीन स्टिक यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। नाउ एक काफ़ी वायरल बीबी क्रीम बाय डर्माको, इट्स द 2% नायसिनमाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम फॉर ड्यूई एंड इवन टोन स्किन। सो ये उसकी पैकेजिंग है। नाउ मैंने बड़ी उम्मीदें से इसको खरीदी क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी प्रमोट कर रहे थे एंड आई थॉट कि अच्छी होगी, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। या तो ऐसा हो सकता है कि मार्स की बीबी क्रीम ने मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं, ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल बीबी क्रीम, बट उसने एक्चुअली क्या परफॉर्मेंस दी है, इतने स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए हैं कि अब मुझे ये वाली बीबी क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये मेरी स्किन पर पैची हो रही थी, मेरी स्किन प्रेप बहुत ऑन पॉइंट रहती है, लाइक नॉट टू ब्रैग, बट मैं बहुत बहुत टाइम लेके स्किन केयर को यू नो पूरा अटेंशन देती हूँ, बिकॉज मैं स्किन केयर में ज़्यादा बिलीव करती हूँ मेकअप से, तो भी ये वर्क नहीं किया। एक तो शेड नहीं मिला अच्छा, ऊपर से इतनी ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही पैची से हो रही है, टूट फूट सी रही है मेरी स्किन पर, एंड आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट लाइक द फीलिंग ओनली। सो ये तो पूरी वेस्ट ही हो गई है, आई डोंट नो कि अभी मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बट या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिस इज़ अ पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कि आप में से किसी ने यूज़ किया एंड यू माइट हैव लव्ड इट, बट दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। यार मेरे माइक ने मेरा साथ छोड़ दिया है, आई एम होपिंग कि अभी भी आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, आई एम सो सॉरी। अभी मैं माइक को चार्ज करके और डिले नहीं करना चाहती थी ये वीडियो को। नेक्स्ट इज अ बॉडी केयर प्रोडक्ट बाय विश केयर, इट्स अ सनस्क्रीन बॉडी लोशन। इट हैज़ नायसिनमाइड, सेरामाइड, कैरेट सीड एंड रास्बेरी। इट हैज़ SPF 50 PA++ प्रोटेक्शन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, वेरी ब्यूटिफुल एंड स्टर्डी पैकेजिंग एंड वर्क्स वेरी वेल फॉर द बॉडी। नो, इसने ऐसा भी नहीं हुआ है कि मेरी जितनी भी टैन है वो एकदम धड़धड़ करके पूरी निकल गई है, नहीं, बट एक ग्लो तो रहता है बॉडी पे एंड काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करती है, नरिश करती है,
एंड आई एम होपिंग कि जब तक मैं ये पूरी बॉटल फिनिश करूँ तो मेरी स्किन में अच्छा खासा डिफरेंस मुझे दिखे. सो आई वॉज थिंकिंग कि बॉडी लोशन यूज़ करना है, सो माइट एज वेल यूज़ वन विथ SPF, बट करेंटली आई एम लविंग माई प्लम वाला, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. इफ यू लुकिंग फॉर अ बॉडी लोशन दैट इज गुड SPF, यू कैन एंड योर सर्च हियर. नाउ अ मॉइस्चराइजर दैट हैज़ वन माई हार्ट. It's very simple. It's the hydrating gel cream for 100-hour hydration. So this is the water boost wala moisturizer and it has worked wonders. Currently skincare jo routine chal raha hai mera usme yahi incorporated hai. Ye meri skin ko acha hydration deta hai, dewy banata hai, smooth banata hai, bilkul bhi no nonsense hai aur kuch bhi faltu ke ingredients nahi hai and skin ke liye kafi zyada acche se mere work kar raha hai. So thumbs up. Then ek aur moisturizer hai by CeraVe. इट्स द मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सो रिसेंटली नायका पे सेरावी लॉन्च हो गया है. बिफोर इट लॉन्च इन इंडिया मेरे पास ये पहले से था, माई हस्बैंड गॉट इट फ्रॉम द US एंड आई हैव बीन लविंग इट. ये जो डब्बा है ये बहुत ही थिक वाला क्रीम है, सो इट्स गुड फॉर ड्राई स्किन. ऑयली स्किन वालों को ये हैवी लग सकता है, बट इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन पर्सन और आप अच्छा मॉइस्चराइजिंग थिक क्रीम ढूंढ रहे हो तो ये बहुत अच्छा है. ये 1200 रुपये का मिला है, बट ये इतना बड़ा है ना कि पैसा वसूल है. मेरे हिसाब से अफोर्डेबल है क्योंकि आधा किलो का डब्बा है, ये चलता ही रहता है तो तब तक आपके 1200 रुपये डेफिनेटली वसूल हो जाएंगे. देन वी हैव अनदर हेयर प्रोडक्ट. सो इट्स द ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ विद आर्गन ऑयल. सो बहुत ज़्यादा हाइप थी इस वाले की, छोटू वाला है मेरे पास. सो स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए मैंने प्रोडक्ट खरीद के यूज़ किए, तो मैंने सोचा छोटा वाला मिल रहा है तो ले लेते हैं, पसंद नहीं आया तो यू नो जस्ट ऐसे ही, बहुत ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा. बट आई लव्ड इट, आई लव्ड इट सो मच कि अब मेरे पास एक बड़ा वाला भी है. इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, प्लस द परफॉर्मेंस, द हेयर गेट्स रियली सिल्की एंड आई एम नॉट किडिंग. आप इसको लगाओगे ना आपको तुरंत डिफरेंस दिखेगा आपके बालों में. आपके बालों को इतना स्मूथ, फ्रिज फ्री, मैनेजेबल ये बना देता है एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट. एक लॉरियल का एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरा एकदम फेवरेट था, मैं बैक टू बैक उसे खरीद रही थी. अभी मेरे पास ये है एंड दो बॉटल से तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलने वाला है. मुझे ये प्रोडक्ट बहुत बहुत पसंद आया. नाउ वी हैव अ स्ट्रोक क्रीम. सो स्ट्रोक क्रीम का भी बहुत चलन है एंड मैक की जो स्ट्रोक क्रीम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. नॉट एवरीबडी wants to invest so much of money in a stroke cream. I also don't want to. I don't splurge money on makeup and stuff because I don't indulge myself itna zyada in makeup. But there is a brand, trustworthy, Dot & Key, जिस पर मुझे भरोसा था. उन्होंने एक स्ट्रोक क्रीम निकाली थी, just thought of using it and I love it. Oh God, there are no chunky particles. अभी मैंने लगाई है, I don't know कितनी दिख रही है. मैं natural light में shoot कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा sunlight नहीं आ रही है, बट मुझे बहुत पसंद आई. इट इज़ सो माइल्ड ऑन योर स्किन एंड ये आपको बिल्कुल भी ऐसे फ्लैशी सा अपियरेंस नहीं देता है. वेरी नेचुरल विद इन काइंड ऑफ ग्लो इट गिव्स यू एंड लव इट. आई लव इट, मुझे बहुत अच्छी लगी. ओके, अगेन इट इज़ अ गुड टू हैव प्रोडक्ट. यू इट्स नॉट अ मस्ट हैव, बट इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई अ गुड स्ट्रोक क्रीम, दिस इज़ द वन. देन लास्ट में वी हैव 3 लिप प्रोडक्ट्स. सो एक तो है डॉट एंड की का ग्लॉस बॉस जो कि इतना फेमस हो रहा है, मुझे लग रहा है हर इन्फ्लुएंसर यही लगा रहा है. आई यूज्ड इट, इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर, सॉरी इट्स अ गुड लिप बाम. ये आपके लिप्स को थोड़ा नरिश्ड रखता है, प्लस ये टिंटेड है. ये निकल क्यों नहीं रहा है, ये टिंटेड है. मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आया. बट अभी मैं वैसलीन लगा रही हूँ, अपनी OG वैसलीन एंड आई एम हैप्पी विद इट. इसका जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हो, काफ़ी ऐसे थिक एंड ग्लॉसी सा है, जैसे कि ग्लॉस बॉस. तो अगर आपको ऐसे यूज़ करना है कि आप बस एक अच्छे से लाइनर से लिप आउटलाइन कर लो लिप को एंड देन ये लगा लो एंड अच्छे से यू नो आपके लिप्स को एक ग्लॉसी सा लुक मिल जाएगा, प्लस नरिशमेंट भी मिलती रहेगी. इसमें SPF 30 भी है तो आपको सन प्रोटेक्शन भी मिलेगा, तो आप ये ले सकते हो. इट्स अ गुड प्रोडक्ट. बट अगर आपको ये सब नहीं करना है एंड आपको सिर्फ मॉइस्चराइजेशन चाहिए, आपको टिंट वगैरह कुछ कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल वैसलीन यूज़ करें. देन लास्ट टू आर लिपस्टिक्स. तो एक है लव अर्थ की लिक्विड मूस लिपस्टिक इन द शेड आयरिश कॉफ़ी. अभी लव अर्थ की जो लिपस्टिक थी ना, ये सेट में भी आती है, आपने अगर देखा होगा तो, छोटी छोटी एंड काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाती है. उसका बड़ा साइज मैंने एक शेड का लिया है आयरिश कॉफ़ी. आई एम इनटू न्यूड लिपस्टिक्स, आई डोंट नो सिंस 2 साल हो गए अब तो, एंड मैं न्यूड लिपस्टिक्स ही लगाती हूँ एंड ये वाली लिपस्टिक अभी मैंने लगा रखी है एंड आई लव द शेड
बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काफी लाइट वेट है ऑन द लिप्स, एकदम मैट है, ट्रांसफर नहीं होता है, यू डोंट इवन फील कि आपने कुछ लगा रखा है अपने लिप्स पे, एंड पिगमेंटेशन वन स्वाइप पिगमेंटेशन है, लव इट, यू कैन सी अ लव दिस वन, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द परचेजेस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी लिपस्टिक वेस्ट जाए, तो मैं इतना प्रे करती हूँ कि भाई अच्छा हो शेड बस, तो ये सब स्किन टोन पे सूट करेगी, फेयर मीडियम एंड डीपर स्किन टोन्स पे भी बहुत अच्छी लगेगी। हैविंग सेड दैट, अभी मैं अभी मतलब बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आई विल बी स्वॉचिंग ऑल माई फेवरेट न्यूड लिपस्टिक्स, सो स्टे ट्यून्ड। लास्ट इज ऑल्सो अ लिपस्टिक, आई लव द पैकिंग, मुझे पैकेजिंग ही इतनी पसंद आ गई है कि लिपस्टिक तो छोड़ ही दो, इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है वैसे, बट एक बार ही मैंने इसे स्वाइप करके देखा था एंड इट्स अ वेरी गुड शेड। मैं आपको एक स्वॉच देती हूँ, दिस इज माई प्रॉश ब्यूटी जो कि पहले प्लूम था एंड द शेड नेम इज हाई टी, दिस इज द शेड, वेरी नाइस पिंकी मॉवी न्यूड, कूल टोन न्यूड। इसको अगर आप एक डार्क लिप लाइनर के साथ लगाओगे तो ये बिल्कुल आपको वॉश ऑफ नहीं करेगी, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। द फॉर्मूला इज़ वेरी क्रीमी, इट इज़ नॉट द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक, बट इफ़ यू आर ओके विद री एप्लीकेशन ऑफ लिपस्टिक देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर हैविंग दिस शेड, इट्स अ वेरी गुड शेड। ये फेयर स्किन पे भी अच्छा लगेगा, मीडियम पे भी अच्छा लगेगा, डीपर स्किन टोन को ये वॉश कर सकता है, बट लाइक आई सेड अगर आप इसको एक अच्छे मरून लिप लाइनर के साथ लगाओगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा एंड आपको फिर वो वॉश ऑफ नहीं करेगा। मेरी कितनी लिपस्टिक्स ऐसी हैं जो मुझे वॉश ऑफ कर देती हैं, लेकिन मैं जब उन्हें अपने डार्क मरून लिप लाइनर के साथ लगाती हूँ बहुत अच्छा काम करती है। वो लिप लाइनर की डिटेल्स मैं आपको अपने लिपस्टिक वाले वीडियो में दे दूँगी। So yes, that is it for today's video. I hope that you enjoyed. I hope it was informative. Pasand aaye ho to like, share, subscribe kar de so that I get motivated. And main bahut koshish kar rahi hu to be consistent with the beauty videos because you guys wanted to watch it. So yes, please keep supporting. And we are very close to 100k. And I'm thinking of a giveaway. So fatafat se 100k karwa do and then we can discuss about the giveaway as well. I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.